इस वक्त मैं बात करूं तो गन्नौर विधानसभा के शाहपुर गांव में मौजूद हूं। आप पीछे देख पाएंगे गांव के ही लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे चुनाव के बारे में इस बार जो वोटर्स हैं इस बार सोच रहे हैं। आ जाइए सीधा बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते जी अंकल जी। नमस्ते जी। क्या नाम हो गए अंकल जी? ओम प्रकाश जी। अच्छा, कैसा है इस बार चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में? जी बीजेपी का अगमन बढ़िया ही है। बीजेपी का बढ़िया है? बढ़िया है। अच्छा हाँ जी। टिकट किसका हो सकता है? देखो जी, टिकट तो हम कादियान के बारे में सोच रहे हैं सब, देवेंद्र कादियान जी के बारे में। हाँ जी, हाँ जी, इसके लिए बढ़िया। जो और किसी को मिलेगा फिर नहीं बता सकते कुछ, मतलब किसी और का टिकट हुआ तो फिर नहीं बोलना चाहेंगे कुछ भी? नहीं जी, फिर नहीं बोलना। और देवेंद्र कादियान जी का टिकट हुआ तो? हाँ, फिर बढ़िया जी, बढ़िया माहौल है उसका, इस टाइम बढ़िया माहौल चल रहा है। बढ़िया माहौल चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, पक्की बात है? पक्की है जी। तो कांग्रेस का क्या है फिर? देखो वोट तो कांग्रेस की भी है पर कुछ कम है उसके, उसके कम है, कम है, कम है। लेकिन देवेंद्र कादियान जी के ज्यादा ज्यादा। क्या कारण मानते हैं जो देवेंद्र कादियान जी के वोट ज्यादा मानते हैं? देखो जी, एक तो पब्लिक में घूम रहा है, जगह जगह काम भी करवा रहा है वो, कहीं बैंस गिर दिए, कहीं कुछ कर दिया है। और जो है फिरनी थी हमारी खराब थी, वो बनवा दी। और फिरनी बनवा दी गाँव की? हाँ जी। अच्छा। थोड़ी सड़क खराब हो रही थी कभी जी, वो ठीक करवाई। और जो है रोडों पे गाड़ी भी छोड़ रखी है, जो कोई बीमार सीमार है उसको ले जाए एम्बुलेंस। हाँ जी, ठीक है जी। और इस टाइम बेचारा बढ़िया काम कर रहा है, इस टाइम बढ़िया कर रहा है, बढ़िया कर रहा है जी। एक मिनट आपसे भी बात करता हूँ। नमस्ते जी अंकल जी। ये तो देवेंद्र कादियान जी बता रहे हैं, हम तो वही बता दूंगा। मैं तो वही बता दूंगा, दो लफ्जों में ही बता दी थी आपने। दोनों पार्टियों की टक्कर है हमारे गांव में। लेकिन ये तो बढ़िया देवेंद्र का बता रहा है, ये क्या मामला है? मामला तो काम कर रखे है उसने, हाँ मगर काम कर रखा है उसने भी। तो कांग्रेस का राज था तब भी तो काम हुए थे, अच्छे काम हुए थे तब, अच्छे तो होते रहेंगे। पर यहाँ सन 47 था ना, जो इस संस्था में आया किसी ने कादियान के मुकाबले काम नहीं करा हमारे हल्के में। कादियान जी तो बने भी नहीं, काम कैसे कर दिया? मगर बने अपने अपने घर तक अपनी मजबूती तक कराया, यू कराया उन लोगों को सरकार से पैसा लेकर थोड़ा कराया, किसी भाई ने कराया। और फिर बन के फिर, अच्छा ताऊ जी फिर बन गए वो देवेंद्र कादियान जी। अच्छा सुनिए, या फिर काम नहीं करवा सरकार का भी सारा हुआ के, या के माथे पे लिख रखे है किसी के भाई बना, पब्लिक ने तो वोट देनी बनाना, पब्लिक का काम तो पब्लिक के हाथ में के रहे, काम करना तो उसने ना, बिल्कुल है बिल्कुल, और भाई बढ़िया करना घटिया करना उसने करना है ना। माँ बाप का तो मतलब ये बालक स्कूल में पढ़ाना है, 10 रुपया खर्चा करना है जी, है पढ़ना स्कूल में जाकर, तो बच्चे का काम है ना। अच्छा ताऊ जी देखिएगा, ये बता रहे बिना कुछ सरकार का हिस्सा लिए अपने घर से लगा रहे हैं इतने पैसे, बच्चा घर से लगाओ तो सरकार भी है उनकी, सरकार भी तो उनकी, बीजेपी सरकार है बीजेपी। लेकिन बने तो नहीं है अभी कुछ भी, बने तो नहीं है पर बाकी सरकार के साथ तो है, तो लगता है बनने के बाद भी काम करवाएगा। हाँ जी, कोशिश तो हमारी यही है, कभी दिखाई भी ना देता हूँ जी। बस देखो हमने इस बात का क्या, निर्मल बनाई थी, निर्मल चौधरी बनाई थी, कौन है करे ये बात का कौन बुझेगा ना? आप अगर कहने दे क्या है, अगर आपने छवि बनाऊंगा तो काम करेगा छवि बन जाएगी, ना करेगा तो कौन बुझ जाए फिर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी फिलहाल बना कर रहे हैं काम। हाँ जी, बस जी। आपका क्या नाम है जी ताऊ जी? सोम प्रसाद। हाँ। ये बड़ा पहली बार नाम सुनने में आया सोम प्रसाद, ये कैसा कब नाम रखा था ताऊ जी? ये माँ बाप ने, दादा दादी ने, या बुआ ने, फूफा ने, किस शुरू दे ताऊ ने टेका था मेरा नाम। अच्छा ताऊ जी ने टेका था। हाँ। क्या सोच के रखा था सर? एक प्रसाद दो प्रसाद के मतलब सोई कर दिया सुन तो ले झक्का था जीवन नहीं थी। अच्छा जी। अच्छा क्या है फिर चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं इस बार? भाई देवेंद्र की खतर में जीत है पूरी, देवेंद्र जीत रहे हैं। हाँ। कैसे अंदाजा लगाया देवेंद्र जीत रहे हैं? भाई जो नरेतने बुलाओ रहतने भी आवे, सारे काम ना खड़िया रहे आग पावे। नहीं नहीं ताऊ जी आ जाते हैं रात में भी? हाँ आ जाते हैं, पक्की बात है ताऊ जी जैसे ये बता रहे हैं। हाँ। भाई ठीक है, जिस टाइम कोई कहे आज आ जा रहा है। हाँ। काम कर रहा है, काम कर रहा है, फिर नहीं है ना काम के ऊपर बात है।
पांच साल हो गए निर्मल द्वारा था, मैं करतिया करता कति पक्का। अच्छा, विधायक जी के ही साथ थे आप? हाँ, निर्मल के चौधरी। कोई पर कया को ना बनिया, पर एक दिन देवेंद्र द्वारा गए थे हम, त्यागी भी गए थे, ब्राह्मण भी गए थे, हम भी गए थे, मतलब गाँव के छत्ती बिरादरी के लोग। हाँ, गए थे देवेंद्र दे। वो मैं बोलिया भाई यार सड़क बनवा दे, बिरान मट्टी हो रही, ज्यादा बुरा हाल था। हाँ, बुरा हाल था, तलन का रहा नहीं था, सनपेड़ी वाला रोड उड़ ने जोड़ पने जी। बोला भाई एक हफ्ते का टाइम दे दे, बस एक हफ्ता। हाँ, एक हफ्ते भीतर भीतर उन्हें सड़क बनवा, एक हफ्ते में तो ताऊ जी सरकार के बड़े बड़े मंत्री भी नहीं पड़े हो, पड़े हो उन्हें बनवा दी एक हफ्ते के भीतर भीतर। टुकड़ा थोड़े लंबा नहीं था, थोड़ा ही टुकड़ा था, लेकिन कुछ भी है काम की बात है, बड़े बड़े मंत्री नहीं करवाते एक हफ्ते में। नहीं कड़े फोन मरिया था ना, एक फोन में ही सड़क बन गई। अच्छा, हाँ, तो इसलिए चाहते हैं देवेंद्र कादियान जी को। हाँ, और किसी दूसरा पार्टी है कांग्रेस, उसका क्या क्या है फिर? हमारे गांव में पाएगी 100-150 वोट पाएगी तो पाएगी, ना ना भी पाएगी। उसकी भी है लेकिन कम है। कम है जी। जी जी, आपका क्या नाम है जी? धर्मवीर है जी। धर्मवीर जी है तो देवेंद्र कादियान जी को बता रहे हैं, सही है? आपको क्या लगता है? ऐसा है ना जी, ये इस इलाके में सेवा खूब कर रहे हैं लोगों की। सेवा कर रहे हैं? हाँ, सेवा कर रहे हैं, मतलब जो भी जिसकी जरूरत जैसी भी पड़े उस हिसाब से सही सेवा कर रहे हैं लोगों की। कभी ऐसा एम्बुलेंस छोड़ रखी फ्री, मतलब काफी सेवा कर रहे हैं लोग। जैसे ये बता रहे हैं, इसको ही चाहते हैं लोग। अच्छा, जैसे ये बता रहे हैं कि गांव की छोटी सी फिरनी थी वो बनवा दी थी, एक हफ्ते में बनवा दी थी। इसके अलावा कभी काम आया कुछ, कुछ ऐसी जरूरत पड़ी कभी? जिसने जो भी जैसी जरूरत पड़ी, जैसे ब्याह शादी में तो आया है वो, थोड़ा बहुत सा करके गया। क्या बता रहे, कन्यादान भी किया जी? हाँ, जो गरीब है उसका। हाँ, में कन्यादान गाली कर दिया जी। तो मतलब सहयोग करते हैं किसी न किसी काम, इसीलिए न चाह रहे हैं लोग। ये आ जाए आपकी बार तो भाजपा से ठीक है, अब की बार मतलब ये आ जाए तो सही रहेगा। हाँ, सही रहेगा जी। जी, सेंटर में मोदी की सरकार है, यहाँ कांग्रेस बनाएगा, हम करेंगे कि यहाँ। अरे वो तो पब्लिक के ऊपर है, खादर में तो देवेंद्र की जीत है, तो जीत बता रहे हैं। युवा साथी भी है, क्या नाम होगा भाई साहब? राजदीप भाई साहब। ये तो देवेंद्र कादियान जी के बता रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या माहौल है इस वक्त? भाई साहब हम भी उम्मे हैं, जो शरीफ इंसान है उसी को हल्के की जो ना अगुवाई करनी चाहिए, हल्के में बदमाशी और नशाखोरी नहीं चलनी चाहिए जी। जिस आदमी ने रोजगार दिए हैं, हल्के का विकास किया है और उसको आजमा चुकी है यहाँ गन्नौर की जनता, तो उसी को मौका देना चाहिए जो रोजगार की बात करता है और विकास की बात। कौन करता वही पूछ रहे हैं भाई साहब? मैं कुलदीप शर्मा जी करते हैं जी। कुलदीप शर्मा जी, हाँ जी, चाहते हैं कुलदीप शर्मा जी बने यहाँ से? हाँ बिल्कुल, नेक और शरीफ आदमी है, पहले भी लोगों ने देखा है, रोजगार दिया है, विकास करवाया है और आगे भी लोग कह रहे हैं कि वही आएगा जी। मैं गांव की ही बात कर लेता हूँ, गांव में कुछ ऐसा काम करवाया कुलदीप शर्मा जी ने अपने समय में, जब उनका समय था, बहुत कुछ ऐसा हुआ है? कुछ बहुत काम करवाए, बहुत रोजगार दिलवाए कुलदीप शर्मा ने इस गांव में, सरकारी नौकरियां लगवाई और जितनी सड़कें हैं, ये फिरनी का काम है, गलियां हैं, सब उन्हीं के टाइम पे हुआ। उसके बाद स्कूल में जो भी काम आया है उसके बाद यहाँ का फिलहाल मौजूदा विधायक है वो कभी नहीं आई। ये तो अंकल जी भी बता रहे हैं, विधायक जी तो ये इन्हीं के साथ थे बता रहे हैं। आई हो एक बार वोट लेने आई, प्रचार में आई, पहले आती थी, किसी की ब्याह शादी मरे उसमें मरिया जी खुशी में कभी नहीं आई। कुलदीप शर्मा की एक खासियत है, खुशी गमी में उसका कोई वोटर है या नहीं है, हर जगह वो जाता है। ये मेरे बुजुर्ग इनसे पूछे बात जी, जरूर आएगा, वो नहीं आएगा उसकी हाजिरी लगेगी, लगाते हो हर जगह जी। वो करते हैं रोजगार की बात जी जी जी, मैं बच्चों को दूंगा रोजगार जी, नशे की उसकी तरफ वो नहीं जाने देंगे। हल्के में जो ना वैर विरोध किसी का नहीं होने देते जी, थाने के फोन नहीं करते किसी का जी जी जी। वो कहते हैं विकास या पढ़ाई के बारे में मेरे से बात करो बस जी। चलिए मैं आपसे भी बातचीत कर लेता हूँ। हाँ नमस्ते जी अंकल जी। नमस्ते जी, आपका क्या नाम है अंकल जी? सुंदरलाल चंद्रलाल। सुंदरलाल, सुंदरलाल, हाँ जी। सुंदरलाल जी, क्या है फिर इस बार माहौल हल्के का, किसको लाल बनाना चाहते हैं इस बार? फिलहाल तो जी देवेंद्र का जोर हो रहा है जी। हाँ, जोर हो रहा है। हाँ जी, देवेंद्र कैसे बना इनका जोर, क्या कारण मानते हैं? ऐसा जी, एम्बुलेंस छोड़ रखी है उन्होंने, कोई भी जनानी का बच्चा हो उसको जब मिनटों में हॉस्पिटल ले जाएंगे, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मरीज हो जाए उसको जब एक गाड़ी ले जाती है उनकी। आप बता रहे हैं कि जी, आप बता रहे हैं कि एम्बुलेंस चल रही है, कभी कुछ ऐसा मौका हुआ है कि भगवान ऐसा ना करे कि कभी जरूरत पड़ी? गांव में, गांव हंड में देखते हैं यहाँ, हाँ। रोजाना उसकी गाड़ी आती जाती रहती है, सेवा कर रही है जयपुर। सेवा कर रहे हैं? हाँ जी।
तो फिर इसलिए जिताना चाहते हैं इस बार देवेंद्र जी को? हाँ जी, इसलिए जिताए तो अपना काम करता है उसी को जिताएंगे जी। तो लगता है बनने के बाद कुछ काम भी करवाएगा या फिर कहीं फिर दिखाई ना दे? फिर बगैर बने कर ला रहे, बनने बात तो जरूर करेगा, उम्मीद है। हाँ जी, चलिए इस अंकल जी से भी पूछ लेते। नमस्ते जी अंकल जी। नमस्ते। क्या क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर? दोनों का ही है जी। दोनों का माहौल है? हाँ जी, पक्की बात है। हाँ, दोनों का ही है। आपका मन क्या कहता है फिर इस बार? देखो, मन तो जी भी कहेगा कुछ। कब 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 कहेगा? बने भी सही, बनने के बाद तो सभी का मन कहेगा कुछ तो। फिर बनने के बाद तो सभी बोलेंगे फिर। हाँ, बने भी सही। अच्छा, उसके बाद देखेंगे बनने के बाद जी। अच्छा, एक और भाई साहब बोलेंगे नहीं? हाँ हाँ, बताइए। पंडित जी, भाई विधायक दो पर बनिया, दो पर बनिया हमारे गांव में। पंडित जी था मीर सिंह, वो तो सुबह एक बाल की उन्हें लोहार में लगाया था, लोहार में इनके परिवार में थी, वो भी लगाया था, सुन ले। और न ब्राह्मण का सुबह किसी बाल की नहीं लगाया। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। ना 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 ना, ये बात ना, मैं कभी पांच पिट्ठी तक लिया भाई साहब, ऐसा ही हुआ है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। कुलदीप शर्मा जातिवाद जी तो कोई बात करते ही नहीं। बैकवर्ड में लग गया भाई। हाँ, बैकवर्ड में लग गया, गरीब आदमी में से नहीं लगा। हाँ, ब्राह्मण तो शॉर्ट किसी ने लगाया फिर। ऐसा ऐसा तो नहीं होता था ना? होया होया, पांच पिट्ठी होगी, हमने देखते देखते पांच पिट्टी होगी चुनी लाल ने देखते देखते। तो फिर अब क्या बीजेपी में कोई लगा है, कोई नौकरी में कुछ ऐसा हुआ है कोई गांव? बाढ़ के लग गया मेरे गांव में, मोजी के राज में, और बिना पीछे लग गए, बाईस लग गए हैं बिना पैसे लगे। हाँ, बिना पैसे हैं, तीन तो घर में खुमार लग गए हैं। तो फिर पहले का जब समय था कांग्रेस का, नौकरियां तो उस टाइम पे भी थी, फर्क क्या है? हाँ, ये लग गए नहीं था मेरे बाढ़ के, आपके बच्चे नहीं लग रहे हैं, अपनी अकल तो लग गई है। अब पढ़ाई लिखाई के दम पर लग गया? हाँ, लग गया, वहाँ भी नहीं लग गया, वहाँ भी इस बार चल लिया। तो पहले भी टेस्ट तो पढ़ गया, मैंने बैक उड़ के ना फसा दिया वहाँ, जाट करे नहीं यू काम में। ऐसा हुआ कभी? और होया, कौन सा चैनल है सर देखा हूं? ये हिंदुस्तान लाइव के नाम से होया भाई, तो ऐसा हुआ है। हाँ, होया। तो फिर इसलिए फिर चाहते हैं कि बीजेपी से देवेंद्र कादियान जी जीते। सेंटर में भाई सरकार भाजपा की है, और भाई यहाँ भी सरकार ही आई आओगी हरियाणा में, श्रेणी मुख्यमंत्री बनागा गया लत्र, तो ये भी तोड़ कर दिया, तोड़ पाड़ दिया था उन्होंने। तो फिर है कि अगली भी भविष्यवाणी कर दी। जी, आपके क्या नाम है भाई साहब? भाई के करना, गांव के रहने वाले। हमने कोई लड़ान का वोट गिरे नहीं, हमने फालतू चक्कर में पड़ना ही नहीं, फालतू के चक्करों में ही नहीं पड़ना। क्या नाम है भाई का? मेरा अंकित शर्मा नाम है। अंकित शर्मा जी, हाँ, युवा है, क्या है मन इस बार? अब की बार देवेंद्र कादियान युवा नेता के साथ जाएंगे हम, हालांकि मैं ब्राह्मण हूँ। अब ये कह रहे जातिवाद फैल गया, ऐसा कोई नहीं है, जो बंदा काम करेगा उसके साथ हम है। और देवेंद्र कादियान एक ऐसा आदमी है, अगर 1% हार भी जाता है, वो हार आ रहा भी लोगों को 70 काम कराता है। अच्छा, हाँ, था ना पापा लगा था, उनका एक बार में लगवाया। हाँ, और पांच पीढ़ी से आप उनके साथ थे? हाँ, हमेशा हम कुलदीप शर्मा के साथ थे, लेकिन उसने हमारा आज तक एक काम नहीं करवाया। हम तो देवेंद्र कादियान के साथ खुले समर्थन से हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और आएंगे भी, वही चाहे सेंटर में या स्टेट में बीजेपी, मतलब हरियाणा में बीजेपी, बीजेपी तो खैर आनी नहीं है, लेकिन गनौर की सीट जरूर उसको उसके हाथ में दे देंगे। आप मतलब हरियाणा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी गनौर की सीट जो है वो पक्की कर रहे हैं? वो पक्की बीजेपी को जा रही है, देवेंद्र कादियान को जा रही है वो। हरियाणा में तो बीजेपी आती नहीं है, लेकिन हरियाणा गनौर की सीट से हम बीजेपी का जो विधायक उठेगा देवेंद्र कादियान उसको जिता के भेज। शर्मा जी देख लीजिएगा, फिर दूसरे शर्मा जी हैं आपके, फिर वो कहाँ जाएंगे यदि आप भी इनके साथ हैं तो? इब हर बंदा जातिवाद तो है नहीं, जो कर कह दिया जातिवाद, हर बंदा पढ़ा लिखा है। जो हमारे निर्मल चौधरी है, 5 साल रह गई है गनौर में, एक काम नहीं करके दिया, पूरे गनौर का नाश करके धर दिया, बेड़ा गर्क हो गया। ये रोड देख लो, कुलदीप शर्मा ने बनवाए थे, जब रह गया कुछ करा नहीं है, जब बीजेपी की सरकार उस टाइम उसने कुछ नहीं करा। उस टाइम अगर कुलदीप शर्मा कुछ काम कर देता तो इस बार जीत जाता, लेकिन उस दौरान भी जब बीजेपी की सरकार बनी थी, कुलदीप शर्मा ने उस दौरान भी 5 साल रहा था, उस टाइम काम नहीं करवाया था कुछ भी। उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने जब काम जरूर कराया था कुलदीप शर्मा ने, लेकिन जब यहाँ, हाँ, दूसरा बना गनौर में बाबूजी, काम नहीं करवाया कुलदीप शर्मा ने, एक भी काम नहीं कराया। हाँ, बना बैठा रहा, लोग भूलते नहीं यार, एक एक दिन याद रखते हैं, याद है, बिल्कुल याद है। तो इब देवेंद्र कादियान ने ये नहीं है कि इलेक्शन के टाइम आके सेवा कर रहा है, पिछले हम 5-7 साल से देख रहा लगा पड़ा है, कहीं एम्बुलेंस की सेवा, कहीं ई रिक्शा की सेवा, कहीं पानी की सेवा, कहीं बैठने उठने की सुविधा दे रखी है गांव के लिए। कोई जातिवाद वो फैला नहीं रहा, हम तो एक मत उनको देंगे और उन्हीं का समर्थन करते हैं, उन्हीं के लिए कहेंगे वोट दो भाई। जी 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 जी, कोई ये नहीं है कि कुलदीप शर्मा है तो हम शर्मा जी के साथ जाएंगे, ऐसा हमने नहीं
चाहते नाम जातिवाद पे विश्वास रखते। जी 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 बिल्कुल। क्या हम, नाम क्या बता रहे हैं? मेरा अंकित शर्मा नाम है। दो चीजों से बच के रहना चाहिए हमेशा, राजनीतिक बातें और धार्मिक बातें। इन राज्य में बच जाएगा तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो इनका अंत एक ही होता है कि भाई देख लेंगे वो आएगा बस। एक एक दो दो घंटा बहस करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन उसका अंत क्या आता है? जीतने वाला जीतता है। लेकिन जो माहौल है वो बिल्कुल, मैंने वास्तविक सच्चाई बता दी। इनकी बार गनोरता देवेंद्र कादियान जीत रहा है। इसका मतलब कहीं सर्वे करवा लेना, कुछ करा लेना। कुलदीप शर्मा बिना वजह ना तो मतलब जितना खर्चा कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा। सोच रहा बस लोगों को बना के बेवकूफ जातिवाद फैला के मैं जीत जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। जी फिलहाल देखिएगा, अंकित शर्मा युवा हैं और ताऊ जी हैं, इनसे भी बातचीत की कि इस बार जो गांव का वोटर्स है चुनाव के बारे में क्या कुछ सोच रहा है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9, मैं अश्विनी कुमार, जय हिंद।